अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान महक शाहिद। क्वेटा में बच्चियों के टैलेंट को उजागर करने के लिए और जेंडर इक्वालिटी को फ़रोग देने के लिए UNDP के तआवुन से और बलूचिस्तान वुमेन फुटसॉल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम क्वेटा के अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फुटसॉल ग्राउंड में वुमेन फुटसॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में आज के दिन यहाँ पर सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। वुमेन फुटसॉल टूर्नामेंट में क्वेटा की 6 नामवर टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के सिलसिले में फाइनल मैच बलूचिस्तान वुमेन फुटबॉल एकेडमी और केचीपेक डिग्री कॉलेज के माबैन खेला गया, जिसमें बलूचिस्तान वुमेन फुटबॉल एकेडमी ने केचीपेक डिग्री कॉलेज को 0 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम चैंपियंस हैं और चैंपियंस ही रहेंगे। बहुत हमें खुशी होती है कि इस तरह के गर्ल्स के लिए एक सेफ माहौल में गेम्स रख पा रहे। आज हम लोगों ने फाइनल मैच भी जीता तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। दूसरी जानिब रनर अप टीम की खिलाड़ी कहती है कि हार जीत गेम का हिस्सा है, फाइनल खेलकर खुशी हुई। हार जीत गेम का हिस्सा है, हम फाइनल तक पहुंच गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हमें मौका मिला है कि हम फुटसॉल खेल सकते हैं। फिर भी हम लोग दूसरे पोजीशन पे आ गए, हम लोग की ये खुश नसीबी है कि हम लोगों ने दूसरा पोजीशन ले लिया। फाइनल मैच के मेहमान खसूसी UNDP बलूचिस्तान के सरबराह ज़ुल्फ़िकार दुरानी थे। इस मौके पर इनके हमराह मोहम्मद मगी बलूचिस्तान वुमेन फुटबॉल एसोसिएशन की सदर शाइस्ता रखारी भी थी, जिन्होंने मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों में मेडल्स और ट्रॉफी तकसीम की। जिस लेवल की गेम मैंने देखी है, इसमें कोई शक नहीं कि माशाल्लाह हमारे बच्चे अगर बच्चियां इनको मौके मिले तो दे कैन प्रूव देमसेल्फ्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली बच्चियों ने टूर्नामेंट के इनेकाद को सराहा और आगे भी मजीद टूर्नामेंट मुनक्किद करने की ख्वाहिश की। महक शाहिद, क्वेटा।